बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में गुरुवार 15 जून की सुबह बड़ी चूक हो गई। नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वह अपने आवास एक अन्य मार्ग के पास ही सुबह टहल रहे थे। इस दौरान तभी सीएम की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक लहरिया कट बाइक चालक वहां पहुंच गया। इसके बाद युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। उससे पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अब हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। एसएसजी के हाथ पांव फूल गए हैं। एसएसजी के कमांडेंट और अधिकारियों को बुलाया गया। वहीं सीएम आवास पर पटना के एसएसपी भी पहुंच रहे हैं। अधिकारियों की मीटिंग जारी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी कोई अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बाद में मीडिया के सवालों का एसएसपी जवाब दे। कहा जा रहा है कि लहरिया कट बाइक चालक ने सीएम नीतीश कुमार के बगल से बाइक ले जाने की कोशिश की। ऐसे में वह सीएम के काफी करीब आ गया। यह देख कर नीतीश कुमार फुटपाथ पर चढ़ गए। मुख्यमंत्री यदि अलर्ट नहीं रहते तो किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती थी। बाइक सवार को तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि युवक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। बता दे कि पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक है। आए दिन लहरिया कट बाइकर्स सड़क पर दिखते हैं। पुलिस कार्रवाई भी करती है। कई बाइकर्स गैंग तो चेन स्नैचिंग की घटना को भी सुबह सुबह अंजाम देते हैं। पटना ही नहीं बल्कि बिहार के कई अन्य जिलों से भी चेन स्नैचिंग के सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुके हैं। इसके पहले भी कई बार सीएम की सुरक्षा में भी चूक हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।